हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज आज आपके लिए न्यू कंपनी जॉब अपडेट है। गाइज उससे पहले जो भी कंपनी जॉब अपडेट आता है मेरा मतलब वो मेरे पास या फिर मेरा टीम के पास, आपको तो हमारा यूट्यूब चैनल वर्क फॉर स्टूडेंट या फिर वर्क फॉर स्टूडेंट फेसबुक पेज पर आपको अपडेट मिल जाए। तो उन लोगों का मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होता है। आज जो कंपनी जॉब अपडेट है मैं आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर एक कैंडिडेट 10th पास नहीं किया मतलब अंडर में, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास है, वो भी काम कर सकते हैं और अच्छा खास सैलरी भी कमा सकते हैं जब करके, ठीक है। वही मिनिमम उन लोग का एज 18 प्लस और मैक्सिमम एज 29 तक यहाँ पे लेता है, बिलो 30 मतलब वो 18 प्लस 29 है और सैलरी भी बहुत अच्छा है। 8 घंटा का ड्यूटी होता है और 8 घंटा आपको तो पता है, 8 घंटा का ड्यूटी के बाद जिन लोगों ने ड्यूटी करते हैं तो वो तो ओवर टाइम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिन लोगों का क्वालिफिकेशन मिनिमम 8th पास है, अगर 12 ईयर ड्यूटी करते हैं मिनिमम सैलरी यहाँ पे 20,000 तक उन लोग को मिल जा रही है। अगर आप चाहोगे तो काम करने से मतलब वो करने के लिए, क्योंकि अभी आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव या फिर कोई भी आपका रिश्तेदार है, अगर काम करने के लिए चाहेंगे तो इसी कंपनी में काम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे बहुत मेल और फीमेल काम कर सकते हैं, और मेल कैंडिडेट जिन लोग काम करते हैं ना उन लोग को बहुत डे और नाइट शिफ्ट करते हैं, और गर्ल्स लोग को ओनली डे शिफ्ट होता है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, जो 8 घंटा का ड्यूटी है तो हर लोग तो सैलरी ज़्यादा कैसे कमाएंगे उसके मतलब चक्कर में ही जॉब ढूंढते हैं या फिर प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 घंटा का मतलब सैलरी आता है आफ्टर PFESI डिडक्शन होके, जो 8 घंटा का सैलरी यहाँ पे होता है आफ्टर PFESI डिडक्शन होके, जो भी आपका टेक होम सैलरी आता है मतलब वो आपका अकाउंट क्रेडिट होता है मिनिमम यहाँ पे, अगर 26 डेज आप ड्यूटी करते एक भी छुट्टी नहीं लेते हो तो PFESI डिडक्शन होके आपको सैलरी मिल जाएगा 12,500। अगर 26 डेज आप ड्यूटी करते हो एक भी छुट्टी नहीं लेते हो, अटेंडेंस बोनस आपको हर महीना 1,000 मिल जाएगा। अगर आप 8 घंटे के बाद आप ड्यूटी करते तो OT पर आवर 120 रुपीज़। अगर 4 घंटा अगर ड्यूटी करते हो तो 120 रुपीज़ इंटू 480 रुपीज़ पर डे आप OT करके कमा सकते हो। तो अगर एक छुट्टी आप नहीं लेते हो 26 डेज में, तो ये तो वीकअप होता है ना हर में मतलब वीक में एक वीकअप मिलता है उसको छोड़ दो, वो 4 वीकअप छोड़ दीजिए। अगर 26 डेज आप ड्यूटी करते हो आफ्टर PFESI डिडक्शन होके मिनिमम सैलरी 8 घंटा को आपको मिलता है 12,500 रुपीज़, अटेंडेंस बोनस 1,000 रुपीज़, OT पर आवर 120 रुपीज़। अगर 12 ईयर आप ड्यूटी करते हो आप काउंट कर लीजिए कितना सैलरी आप यहाँ पे कमा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा कंपनी का अप एंड डाउन के लिए जो ट्रांसपोर्ट है ना कंपनी तरफ से अवेलेबल है, आप कर सकते हो, कंपनी बस में आप जा सकते हो अगर दूर में कोई रहता है, अगर पास में कोई है तो पैदल में चल के जा सकते हैं उसका, अगर आसपास में अगर लेते हो रूम लेते हो, क्योंकि यहाँ पे कंपनी हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता है, रूम लेना है आपको, ठीक है। तो जिन लोगों ने आउट ऑफ स्टेट मतलब गुजरात, जिन लोगों ने आउट ऑफ स्टेट मतलब ये जो कंपनी लोकेशन है तो कंपनी लोकेशन गुजरात अहमदाबाद, ठीक है, सानंद में है, और जिन लोगों ने आउट ऑफ स्टेट से आते हैं तो उन लोग मतलब गर्ल्स लोग के लिए तो हर मतलब फर्स्ट महीना उन लोग को रूम उन लोग को फ्री देते हैं, और नेक्स्ट मतलब ज्वाइन करने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है तो हर मंथ आपको 1,700 हाउस रेंट के लिए मिलता है, बहुत बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए 1 मंथ वो लोग रूम फ्री देते हैं, क्योंकि कहाँ से वो रूम ढूंढेंगे, कहाँ रुकेंगे, वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पहला मंथ वो दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मंथ वो तो हाउस रेंट आपको ही देना है, और रूम टाइम में जो खाना है वो आपको बनाना है, तो और ड्यू टाइम में जो है, ठीक है, आपको कंपनी से रूम मतलब सॉरी फूड प्रोवाइड होता है। कुछ कुछ कंपनी में होता है जैसे सबसे जो लोग कुछ टोकन जैसे 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ आता है लेकिन खाना खाते हैं, वो कंपनी में भी सब्सिडी प्रोवाइड करता है, आप लोग आराम से खा सकते हैं और अच्छा खाना भी देते हैं, नॉर्थ इंडिया खाना होता है, ठीक है। और जिन लोगों ने इंटरेस्टेड है इस कंपनी में काम करने के लिए और जिन लोगों ने मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास है आप कर सकते हो,
ऐसा नहीं है जो भी टेंथ मिनिमम पढ़ा लिखा नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उन लोग का टेंथ पास है वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का जो जो अपडेट है, हर फिर जो कंपनी का अपडेट मैं उससे पहले दिया हूँ, हर वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन टेंथ पास है, लेकिन यहाँ पे एट्थ पास कैंडिडेट काम कर सकते, बोथ और मेल फीमेल और मेल काम कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे काम क्या होता है। गाइज बाइक में जो आपका टू व्हीलर में ना क्लच और ब्रेक दोनों का जो वायर लगता है ना, ये पे वायर हार्नेस होता है, और आपको मशीन ऑपरेट करना है, हार्नेस का काम करना है, काम बहुत ईजी है। यहाँ पे 80% गर्ल्स लोग काम करते हैं, ये कंपनी गर्ल्स लोग को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पे गर्ल्स लोग काम कर सकते हैं 8 घंटा से 12 घंटा खड़ा के काम कर सकते हैं, वहाँ पे लड़का लोग के लिए काम क्या है, तो मेल कैंडिडेट यहाँ पे बहुत आसान से काम कर सकते हैं, अभी काम कर सकते हो। अरे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जिन लोगों ने मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, वो जो फास्ट से लास्ट तक आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर हजार डाउट होगा, ठीक है। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर कंपनी का जो जॉब अपडेट मैं आपको देता हूँ ईच एंड एवरी वीक, आपको मैं आराम से मतलब वो शेयर करता हूँ। आप लोग अगर ये वीडियो पूरा लास्ट तक आप देखते हो तो आपको पूरा समझ में आ जाता है। अगर आप समझ गए ना, तो दूसरे किसी को आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो आराम से कर सकते हो, उसको समझा सकते हो, ठीक है। गाइस अगर इस कंपनी में आप काम करने के लिए चाहते हो, आपका अगर उधर कोई भी अगर जाना पहचाना है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर इसका जा सकते हो। आपको मैं बता रहा हूँ कि गुजरात में अहमदाबाद और सानंद लोकेशन में ये कंपनी है, और कंपनी का जो काम है वेयर हार्नेस का काम है, और आपको मशीन ऑपरेटर करना है। यहाँ पे बहुत मेल और फीमेल लोग काम कर सकते हैं, काम बहुत इजी। आज जो कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, वो कंपनी का नाम है मदरसन। आपको पता है मदरसन चेन्नई में है, बेंगलोर में है, पुणे में है,